नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या सजने लगा है। अयोध्या में दीप उत्सव की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। आप सभी लोग जरूर से जरूर दीप उत्सव, आप यदि घर पर हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको देखना चाहिए। अयोध्या में लगातार अब तैयारियाँ जोर शोर के साथ चल रही है। पिछले आप 6-7 सालों से आप देख रहे हैं अयोध्या में जगमगाहट के साथ दिखाई दे रही है। स्वर्ग की भांति दिव्य अलौकिक प्रभु श्री राम जी की नगरी तीर्थस्थल देखने को मिल रही है, जहां पर विश्व के लोग भी अयोध्या में दीप उत्सव जब जगमगाता है तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ प्रभु श्री राम जी की जय जयकार के साथ जय जयकार जो है गूंज उठती है। यह है प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या नगरी, चमक दमक के साथ आप देख रहे हैं। और यह है विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल अयोध्या नगरी, जहां आप देख सकते हैं कि अयोध्या में दीप उत्सव प्रत्येक वर्ष छोटी दीपावली में या दीप उत्सव जगमगाहट के साथ देखते हैं। यह विश्व रिकॉर्ड भी आप सभी लोग मिट्टी की दिया के साथ साथ आप देखते हैं, जहां पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार लगातार इस पर नजर बनाए रखी है। और भी विश्व रिकॉर्ड के साथ दिन प्रतिदिन यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड होती है। तो आप देख रहे हैं मिट्टी के दिया जलाकर यहाँ पर जगमगाहट के साथ अयोध्या नगरी में जिस तरह से यह दृष्टि दिखाई देती है, लोग अचंभित और अलौकिक दिव्य और नाभ्य के साथ देखते हैं। और यहाँ की जगमगाहट देखकर लोग जो है जो दूर दराज बैठे हुए सनातन धर्म के लोग और भी अनेक लोग जो है अयोध्या आकर यहाँ दर्शन प्रभु श्री राम जी का करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या इस वक्त जगमगाहट के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी लोग यदि अयोध्या आना चाहते हैं तो आइए, आपका अयोध्या में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आप सभी लोग हमारे अतिथि भाव हैं। हमारा भारत वैसे ही अतिथि देव भाव के साथ देखता है। और विश्व के लोग दीप उत्सव में जगमगाहट जब चारों तरफ दिखाई देती है अलौकिक दिव्य, तो प्रभु श्री राम जी की एक एक आशीर्वाद और मुस्कुराहट के साथ आपको आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो दीप उत्सव यहाँ जगमगाहट के साथ उत्तर प्रदेश सरकार जुट गई है विशेष तैयारियों के साथ। आप भी अपनी अपनी भावनाओं के साथ प्रभु श्री राम जी की जय घोष के साथ आप सभी लोग देख रहे हैं। आप नवरात्र में देखे होंगे 3-9 दिन आपको जगमगाहट के साथ साथ नवरात्र घर घर में माता रानी विराजमान थी। और अयोध्या में विशेष तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है और चारों तरफ माता रानी की जय जयकार और भी माता रानी को घर घर पूजनीय और व्रत के साथ महिलाएं, पुरुष, नवयुवा साथी सभी लोग जो है नवरात्र में रहते हैं। और विजयदशमी भी आपने देखे हैं जहां पर जगमगाहट चारों तरफ संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई दी है। अब दीप उत्सव की तैयारियां अब जल्द से जल्द आप देखेंगे और दीप उत्सव जगमगाहट के साथ लाखों करोड़ों के बीच में यहां पर अयोध्या में आकर सभी लोग जो है देखने के लिए पहले से ही लोग लाइन लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त अयोध्या विराजमान और अयोध्या चमक दमक के साथ आगे बढ़ रही है और विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल का आप नज़ारा देख रहे हैं। तो आप इस वक्त खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर जगमगाहट के साथ उत्तर प्रदेश सरकार जुटी हुई है और लगातार यह अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटक के रूप में आप सभी देश विदेश के सैलानी पर्यटक यहां आकर देखते हैं। और यह अचंभित अलौकिक दिव्य जो प्रभु श्री राम जी की नगरी में सभी लोगों को बहुत ही भव्य स्वागत के साथ देखने को मिलती है। तो आप सभी देशवासियों को दीप उत्सव की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुंचे। आप सभी लोग एक बार जरूर से जरूर अयोध्या में दर्शन करें और अयोध्या प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लें, जहां पर लगातार जब से प्रभु श्री राम जी अपने महल विग्रह में विराजमान हुए हैं तब से लाखों लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ की नगरी अलौकिक दिव्य सब देख कर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, लोगों को यही रहने का एक मन बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त अयोध्या धाम से जहां पर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो रहा है। तो आज सुबह टाइम्स लगातार
आप सभी को अयोध्या नगरी पहुंचकर आपको खास रिपोर्टिंग दिखाता रहा है। आप सभी लोग दीपोत्सव में भी देखिएगा और आज सुबह टाइम्स आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। और आप सभी लोगों से खास अपील है कि आप दीपोत्सव का आप जो है आनंद के साथ देखें और प्रभु श्री राम जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। यह है पर्यटक स्थल और हम सभी लोग अयोध्या में आकर एक बार दर्शन जरूर प्रभु श्री राम जी का करना चाहिए। यहाँ का सुंदर दृष्टि, जहाँ अयोध्या नगरी या सरजू नदी के किनारे बसा हुआ या प्रभु श्री राम जी की नगरी सुंदर भव्य अलौकिक दिखाई देगी। तो कलकल की आवाज़ के साथ सरजू माता जी आप सभी को संदेश सुनाएंगे। तो बस अब हम यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।